नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम दत्त मैक्स लाइव के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हमारे देश के नेताओं की जुबान जो है वो काफ़ी जहरीली होती जा रही है और यह जहरीली जुबान जो है देश के लिए काफ़ी नुकसानदायक है और काफ़ी चिंता का विषय है। और इस बात का पता यहाँ से भी चलता है कि अब तक जो है 58 सांसदों व विधायकों ने बतौर उम्मीदवारी दिए जाने वाले अपने घोषणा पत्र में यह बताया कि उनके खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण देने के मामले दर्ज हैं। और आपको मैं बता दूं कि इस प्रकार के भाषणों से जो है नेता बाज नहीं आ रहे हैं, दिन प्रतिदिन इन भाषणों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। तो चलिए अब हम लौटते हैं अपनी बात पर। अपनी बात जो है वो ये है कि अभी तक आपने जो है पीलीभीत विधानसभा से कांग्रेस जो है भाजपा दोनों जो मुख्य पार्टियां हैं, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनके टिकट बंटवारे को तो आप देख ही चुके होंगे। चलिए बात करते हैं, आप लोगों ने जो है 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की ओर से SC ST एक्ट में बदलाव के फैसले के खिलाफ विभिन्न संघों द्वारा किए गए विरोध को भी आपने देखा होगा। और चलिए आपको बताते हैं कि आज हम इस विषय पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। लेकिन इस विषय के बारे में बताने से पहले आप इस वीडियो को देखिए, ध्यान से सुनिए और समझिए और उसके बाद कुछ सोचिए। हालांकि यह वीडियो काफी बार वायरल हो चुका है, काफी बार आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन आज जरूरत है इस वीडियो को बहुत ही गहनता से, गहराई से देखने की, सोचने की और समझने की। सुप्रीम कोर्ट के जज ने वो आज वो पुलिस वाले भाई मूवी बनाते ढंग से बना लेना, अभी तक पूरा शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे हैं। अभी युवा साथियों ने एक दुकान में हो गया था, एक सिर फुटा कह रहे हैं। ये ट्रेलर है फिल्म का, आने वाले समय में इस समाज को इनके कानून से छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो खून की नदियां बहेगी। और इस संख्या में आप युवा साथी इस वीडियो में जो शख्स दहाड़ दहाड़ कर यह कह रहा है कि अभी तो एक सिर फूटा है और फूटेंगे, खून की नदियां बहा देंगे, अभी ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, यह सब किसी साउथ फिल्म के जो है डायलॉग नहीं है। ये पीलीभीत विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी विनोद कुमार गोठवाल के मुखारविंद से निकले हुए वो शब्द वाण है जो क्षेत्र में मिलजुल कर अमन चैन से रहने वाले लोगों की भावनाओं को तार तार करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। और सवाल यहाँ पर यह नहीं है कि विनोद कुमार गोठवाल ने इस आंदोलन में भाग क्यों लिया, लेना भी चाहिए क्योंकि बात सामाजिक सरोकार की थी जो इनका निभाना था, जिसके चलते सबने भाग लिया। लेकिन जिस देश में सभी वर्ग जाति धर्म आपस में भाईचारे से मिलजुल कर रहते हो, उस देश में जो है एक मंच से खून की नदियां बहा देना, फिल्म अभी बाकी है, ट्रेलर है, इस तरह की जो है कभी न भरने वाली खाई जो डालने की कोशिश करना कहां तक उचित है। और शायद यही वो सारे सवाल हैं जो इस क्षेत्र की जनता को अंदर ही अंदर कटोड़ते होंगे कि जब नहर में जहरीला पानी आया, जब 30 सालों से एक सेम समस्या जो बनी हुई है और जब किसान को उचित भाव फसलों का नहीं मिल रहा, उस टाइम तो नहीं बोला, किसी ने मुंह नहीं खोला, और जब मुंह खोला तो आपस में ही खून बहा देने की बात पर खोला। तो यह तमाम सवाल है जो जनता को काफी जो विचलित कर रहे हैं। इस समय जो लोग आज तक इस क्षेत्र में हो रहे विनाश जो है, जिस प्रकार से सेम समस्या से लोग त्रस्त है 30 सालों से, जिस प्रकार से नहर के अंदर जहरीला पानी आता है पंजाब से, उसके ऊपर नहीं बोला, और यहाँ पर जो है जब बोला तो यहाँ पर खून की नदियां बहा देने की बात पर बोला। तो यह बात काफी हद तक जो है जनता को असमझोश में अभी डाले हुए है। और जो खून बहाने की बात यहाँ पर कर रहे हैं वो भी किसके खून बहाने की बात कर रहे हैं, जिनके साथ बैठकर हम दिन भर ताश की पत्तियां खेलते हैं गांव गुहाड़ में चौराहों पर हर जगह, जिनके साथ मिलकर हम सुबह के रोजमर्रा के कामों की शुरुआत करते हैं, जो हमें पूरे दिन भर में एक दूसरे की आवश्यकता होती है, जो लोग साथ में मिलजुल कर भाईचारे से रहते हैं, जो एक दूसरे के वार त्यौहार शादी जो भी फंक्शन होते हैं उनके अंदर सब आपस में भाई की तरह कंधे से कंधा मिलाकर साथ देते हैं, उनका जो है खून की नदियां बहा देने की बात कर रहा है। तो जिनके साथ दिन भर रोजमर्रा के काम करते हैं तो सोचने वाली बात यह भी होगी कि एक व्यक्ति कुछ बनने से पहले इस तरह के हिंसक विचार रखता है तो वो कुछ बनने के बाद किस प्रकार के विचार रखेगा, यह भी काफी सोचनीय मुद्दा है। कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन भी इस पूरे प्रकरण में जो है कंबल में मुंह छुपाकर बैठा रहा। जी हाँ, जिस तरह के जो यहाँ पर भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिस प्रकार के शब्दों को यहाँ पर सुना गया,
खून की नदियां बहा देंगे। जिस प्रकार से आपसी सामंजस्य खराब करने की कोशिश की गई, उस पर प्रशासन चाहता तो कितना भी कड़ा रुख इख्तियार कर सकता था, लेकिन प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रही, वह कंबल में मुंह छुपाए पड़ा रहा। क्योंकि कोई भी शख्स अगर अदालत या अदालत के क्षेत्राधिकार को चुनौती देता है, या उसके जो छवि है उसको दुभिन्न करने की कोशिश करता है, या उसके जो है कार्य में खलल या दखल डालता है, तो यह कंटेप्ट ऑफ कोर्ट बनता है। लेकिन प्रशासन ने बिल्कुल भी संज्ञान नहीं लिया इस पूरे मामले। अगर बात की जाए यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम रखने के संबंध में कानून व्यवस्था की, तो सार्वजनिक मंच से अगर कोई इस प्रकार का हिंसक भाषण देने की कोशिश करता है तो उसको ICC के 1860 की धारा 153A व 295 के तहत मामला भी दर्ज हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। इसके अलावा और भी जानकारों का कहना है कि बहुत सी धाराएं हैं जिनके तहत इस प्रकार की कोई भी अनर्गल बातें करने पर उसको जो है संबंध में मामला दर्ज हो सकता है, लेकिन प्रशासन ने बिल्कुल भी मुस्तैदी नहीं दिखाई और यह जो है बिल्कुल मूक सहमति प्रशासन ने इनको दे रखी है। इसके अलावा 151, 107 जैसी धाराओं के तहत जो है इनके ऊपर कार्रवाई अमल में लाई जा सकती थी, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई, जो कि काफी जो प्रशासन की जो जितनी निंदा यहाँ पर इस संबंध में की जाए कि किस प्रकार से यहाँ पर प्रशासन ने जो है इनको खुली छूट दी और किस प्रकार से इन लोगों ने अनर्गल बातें की और किस प्रकार से समाज को, इस देश को आपस में तोड़ने की बात की गई, किस प्रकार आपसी जो भाईचारा है उसको खत्म करने की बात की गई, उसको प्रशासन ने अनदेखा किया और उसके संबंध में एक भी एक्शन नहीं लिया। तो यहाँ पर इन तमाम बातों के बारे में आज चर्चा करना काफी आवश्यक हो गया, क्योंकि आज जिस प्रकार की बातें, जिसने तोड़ने की बातें की, वो आज मैदान में उसी जनता के पास, उन्हीं सभी भाइयों के पास जाकर अपने आप के लिए वोट मांग रहा है और यहाँ पर जनता को सोच समझ के और उनसे उनकी जुबान के बारे में एक बार सवाल करने की जरूर आवश्यकता है। और इन सब के अलावा सबसे आवश्यक बात 7 दिसंबर को जो है मतदान करने जरूर जाना है, क्योंकि यह जो है लोकतंत्र का उत्सव है और इसमें सबसे ज्यादा से ज्यादा जो है मतदान में 100% भाग लेकर इस लोकतंत्र के उत्सव को सफल बनाइएगा। और आज की विशेष बात में बस इतना ही। आगे फिर कोई नया मुद्दा होगा, नए मुद्दे के साथ अपने शामिल होंगे और सीधे सवाल करेंगे उनसे जिन्होंने गलतियां की है और जिनकी गलतियां जो है हम सबके, आपके, हमारे और हमारे सभी भाइयों के, जिनके जो सामाजिक दायरे हैं उनको अगर नुकसान पहुंचा रही है और कोई अगर सामाजिक दायरा लांघ रहा है, तो उनसे हम सीधे सवाल विशेष में करेंगे। और अब जवाब आप लोगों को देना है और उन लोगों से जवाब मांगना भी है। अब तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।